सो हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे एक और न्यू टेक वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं कि गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं मेरा गूगल एडसेंस पिन फाइनली आ गया है। आज की वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। अगर छोटी सी मिस करोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो लाइव डेमो करके दिखाएंगे, ठीक है, कि गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से दोस्तों आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं गूगल एडसेंस पिन, और मैं साइड से इसको फाड़ दिया हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जिस समय आप गूगल एडसेंस अप्लाई करोगे तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अपना एड्रेस सही से देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर और अपना नाम पता सही से देना, तभी दोस्तों आपको बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा, ठीक है, आपके पोस्ट ऑफिस में। जहाँ भी दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस रहेगा वहाँ आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट का पिन है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों हमको इसको वेरीफाई करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई करेंगे। तो गूगल को यहाँ दोस्तों ओपन हम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एडसेंस में जाएंगे, उसके बाद गाइस ये मेरा ओपन हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। मैं सेकेंड जन को यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मेरा ओपन हो गया सेकंड चैलेंज, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको नीचे आना गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस के नीचे यहाँ पे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका एडसेंस पिन रहेगा यहाँ पे देना, ठीक है। देख सकते आप, यू हैव 3 अटैम्प्स रिमाइनिंग, ठीक है। आप दोस्तों 3 बार ही पिन को फिर भर सकते हो, ठीक है। अगर तीन से ज़्यादा बार ट्राई करोगे तो यहाँ पे पिन जो भी रहेगा नहीं लगाते, ठीक है। तो गलती मत करना, जो भी सही से देना, ठीक है। 3 बार यहाँ लेता है, उसके बाद गलती हो फिर नहीं भराएगा। तो यहाँ मैं सीधा देता हूँ, ठीक है, 7 5 3 6 2 5 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना पिन दे दी, यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो भी पिन था वेरीफाई हुए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपका $100 हो जाएगा तब पहले भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, अभी भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा फिर पिन वेरीफाई हो गया बहुत ही आसान तरीके से।